राघोपुर से बेटा चौहानी तक, बेटा थाना, बेटा ब्लॉक, पूरा राघोपुर और कुछ बेटा के हिस्सा भी है उसमें, के तरफ से कोई सुविधा नहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट, मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कोरोना वायरस के खतरे को लेकर पूरा देश लॉकडाउन मोड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन करने की घोषणा की है 14 अप्रैल तक, और लॉकडाउन उससे पहले बिहार सरकार ने 31 मार्च तक लॉकडाउन करने की घोषणा की थी। तो तमाम तरह के एहतियात बढ़ते जा रहे हैं और बिल्कुल सख्ती बढ़ती जा रही है ताकि लोग अपने घरों से ना निकले। गाँव में भी लोग जागरूक हैं लॉकडाउन को लेकर और कोरोना वायरस को लेकर कैसे इस खतरे से लड़ा जाए, निपटा जाए, इसको लेकर गाँव में भी सतर्कता और जागरूकता दिख रही है। इसकी वानगी कई खबरों से देखने को मिल रही है, कई तस्वीरों से देखने को मिल रही है। हम आपको एक खबर बताने जा रहे हैं बिहटा से सटे राघोपुर गांव की, जहां ग्रामीणों ने पूरे गांव को सैनिटाइज करने का बीड़ा उठाया है और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कैसे लोग पूरे गांव को सैनिटाइज कर रहे हैं। और साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि सब कुछ सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, सारी अपेक्षाएं सारी उम्मीदें सरकार से नहीं की जा सकती, हमारा भी दायित्व है और हम लोगों को करना है। तो बिल्कुल सतर्कता दिख रही है, पहले तस्वीर देखिए, बयान सुनिए, फिर आगे की बातचीत करेंगे। आप लोग सिर्फ गांव में ही कर रहे हैं और बाहर भी किए? नहीं, ये पूरा राघोपुर से बेटा चौहानी तक, बेटा थाना, बेटा ब्लॉक, पूरा राघोपुर और कुछ बेटा के हिस्सा भी है उसमें, उस सैनिटाइज हुआ है। क्या इस गांव में स्वास्थ्य कर्मी भी माने किए हैं बिहार सरकार की तरफ से भी कुछ मिला? के तरफ से कोई सुविधा नहीं मिला है। और मुखिया जी की तरफ से? मुखिया जी की तरफ से भी कोई सुविधा नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम मंटू सिंह है सर, प्रेम कुमार कहते हैं लोग। ठीक है, कुछ दूरी बना के आप लोग सैनिटाइज कीजिए आम पब्लिकों के द्वारा। अब सैनिटाइज कहाँ से लाए हैं? ये अपने सैनिटाइज बनाए हैं अपने हाथों से। अच्छा, इसमें अल्कोहल है, इसमें नीम के पत्ता है और ये आप लोग हल्ला ना करें, इसमें ग्लिसरीन है, इसमें फिर एक दो सामान और मिलाया गया है जो कि कीटनाशक बहुत है। और ये हाथ धोने में चाहे कोई फेस में लगाने से इसका कोई हार्मफुल नहीं है, लेकिन ये गेट पर सैनिटाइज किया जा रहा है केवल और गलियों में। आप लोग युवा लोग मिलकर पूरा गांव को, राघोपुर ग्राम को सैनिटाइज कर रहे हैं? हाँ, और इस और जो लोग भी अगर आप लोग से मदद मांगे वहाँ पे आप जाके करने की इच्छुक हैं? इच्छुक हैं। और यहाँ पर मुंगेरी बाबा, विजय मिश्रा जी, गोपाल मिश्रा जी और बहुत सारे दोस्त लोग मिलकर ये सैनिटाइज हो रहा है। धन्यवाद। ये युवाओं के द्वारा जो ये छिड़काव किया जा रहा है, इससे आपको क्या लगता है कि कोरोना? हम लोग प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देते हुए अपने गांव को कोरोना वायरस से सुरक्षित करने के लिए बहुत तरह का केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं, सैनिटाइजर वगैरह है जिसमें ब्लीचिंग पाउडर है, सबका छिड़काव कर रहे हैं। क्या राघोपुर में लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है? राघोपुर में लगभग लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है, करीब करीब सभी लोग अपने घरों में ही हैं। और आप और किसी को कि इस माध्यम से क्या देना चाहते हैं कि कोरोना वायरस के और क्या करना चाहिए? भारतीय जनता से कहना चाहते हैं कि सरकार से अपेक्षा कम रखें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आपसी सहयोग से अपने गांव मोहल्ले को सुरक्षित करें ताकि कोरोना वायरस का कहर आपके गांव पर न पड़े और सभी लोग सुरक्षित रहें। आपका नाम? मेरा नाम। तो दरअसल ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें बानगी है, ये बताती हैं कि गांवों में भी लोग सतर्क हैं, जागरूक हैं, अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और जो जरूरी एहतियात बरतना चाहिए वो बरत रहे हैं, सैनिटाइजेशन का काम भी कर रहे हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।